नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, लगातार के पाठक को राजभवन से बुलावा आ रही है, लेकिन के पाठक नहीं पहुंच रहे। देखिए, शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए के पाठक लगातार कवायद कर रहे हैं, और लगातार कवायद करने के विरोध क्रम में देखिए, जिस तरीके से विश्वविद्यालयों पर के पाठक ने सारे खातों को फ्रीज कर दिया था, जिसको लेकर विश्वविद्यालयों को भारी समस्या हो रही थी, जिसको लेकर राज्यपाल और कुलपतियों की 6 तारीख को बैठक है, और 6 तारीख की बैठक में राज्यपाल के पाठक को भी बुलाए हैं। अब देखना होगा कि क्या के पाठक पहुंचेंगे। जिस तरीके से राजभवन और के पाठक का टकराव लगातार बढ़ते जा रहा था, मेरे पीछे आप तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं, राजभवन की यह तस्वीर है। जिस तरीके से देखिए, के पाठक को लगातार बुलाया गया था राजभवन के पास, 10:30 बजे का समय था, लेकिन के पाठक नहीं पहुँचे थे, राज्यपाल इंतजार करते रह गए थे। जिसके बाद देखिए, लगातार तकरार बढ़ती गई, और इस बार 6 तारीख को कुलपतियों के साथ राज्यपाल का बैठक है। जिस तरीके से सेशन स्टार्ट को लेकर जो निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन सेशन स्टार्ट अगर होती है तो अकाउंट, कुलपतियों को कहना है कि विश्वविद्यालयों का जो अकाउंट है उसे फ्रीज कर लिया गया, जिससे भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या में कुलपति फंस गए हैं, नया सेशन शुरू कैसे कर सकते हैं, कई का पेंशन बंद हो चुका है। अब ऐसे स्थिति में जिस तरीके से के पाठक और राज्यपाल आमने सामने हैं, और इस बार 6 तारीख को बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए। जिस तरीके से अकाउंट फीच की गई है, उसकी जवाबदेही भी मांगी गई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या के पाठक पहुँचेंगे 6 तारीख को। राज्यपाल और कुलपतियों की अहम बैठक है राजभवन में, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के SES के पाठक को भी निमंत्रण भेजा गया है। 6 तारीख को उस बैठक में शामिल होना है, बिहार के कुलपति उसमें मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगे, लेकिन सवाल यही उठती है कि क्या के पाठक पहुंचेंगे 6 तारीख को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या के पाठक पहुँचेंगे। सवाल उठता है जिस तरीके से देखिए, लगातार के पाठक ऐसे शिक्षा मंत्री आए और गए, के पाठक अपना फरमान पर अड़े रहें, और उन्हीं की चलती रही शिक्षा विभाग में। CM नीतीश कुमार ने भी सदन में कह दिया था कि देखिए भाई, ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति को काम करने दीजिए, जाहिर सी बात है। और जिसको लेकर शिक्षा विभाग को लेकर लगातार के पाठक सुधार में लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि नए सेशन की शुरुआत और अकाउंट फ्रीज करने के बाद क्या के पाठक 6 तारीख की बैठक में पहुँचेंगे। 6 तारीख को बैठक है राज्यपाल और कुलपतियों को लेकर, लेकिन सवाल उठता है कि क्या के पाठक 6 तारीख को पहुंचेंगे। सभी की नज़रें टिकी हुई है कि क्या कुलपति की बैठक और राज्यपाल की बैठक में SES के पाठक पहुंचेंगे या नहीं।